We're going to carry on the theme of addressing God, talking to God. हम अपना जो विषय था परमेश्वर से बात करने का उसको आगे जारी रखेंगे. Last 3 weeks we were looking at you and me talking to God and ministering to God. पिछले 3 हफ्ते से देख रहे थे कि हम और आप परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर की सेवा करना, इस विषय पे मन कर रहे थे. So, 2 Wednesdays we concentrated on the Lord's Prayer. और 2 बुधवार हम जो है हमने परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो थी उसके ऊपर हमने मनन किया. And last Wednesday we focused on praying without ceasing. और पिछले बुधवार हमने मनन किया था बिना रुके निरंतर प्रार्थना करते रहने पे विषय के विषय में. So going beyond just the Lord's prayer and ministering to God through the Holy Spirit. और ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से आगे बढ़ के और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से सेवकाई के द्वारा को सेवकाई करना इस पे हमने मनन किया था. Today we're going to focus on the similar theme but not prayer but on praise and worship. आज हम जो है लगभग वैसे ही एक विषय में मनन करेंगे, प्रार्थना नहीं पर परमेश्वर की स्तुति आराधना के ऊपर. One of the most misunderstood terms in the Christian circles is the word worship. और मसीह जगत में सबसे जो गलत धारणा जिस विषय पे जिस बात पे है वो है परमेश्वर की आराधना. Praise and worship are slightly different. स्तुति और आराधना दोनों में फर्क है. Praising is usually praising God to people. We talk about God to people. What a wonderful God we serve. What an amazing God. We're praising God to people. That's praise. हम बढ़ाई करना, जब हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं तो हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है, कितना स्तुति के योग्य है, कितना शक्तिमान है, हम इस तरह से उसकी बात करते हैं. Worship is not about people. Worship is about God. पर जब हम आराधना करते हैं तो हम लोग उसमें बीच में नहीं आते, हम सीधा परमेश्वर से बात करते हैं. Worshiping is praising God to God. हम परमेश्वर से परमेश्वर की आराधना करना, उसकी आराधना को आराधना करते हैं, कहते हैं. Literal meaning of worship is to bow down. और आराधना का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है झुक जाना. Now we read in the Bible about how the evil one tried to tempt the Lord Jesus Christ. हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे दुष्ट ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने की कोशिश करी. He took him to high place. वो उसको एक ऊंचे स्थान पे ले गया. And high mountain actually. एक ऊंचे पहाड़ पे ले गया. Actually that mountain is a place called Mount Karantal opposite Jericho. और ये माउंट करंताल है जो यरीको शहर के बिल्कुल विपरीत दिशा में है. So the way from Jericho to Jerusalem on the right hand side. Anyway, that's not important. और वे यरूशलेम और यरीको के बीच का जो डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है और ये राइट दाहिनी दिशा में है. एंड इन अ फ्लैश he showed him all the kingdoms of this world. और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को एक क्षण में सारे संसार के जो राज्य है उनको दिखा दिया. All this I will give to you if you bow down before me. और बोला कि अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो मैं ये सारी चीजें तेरे को दे दूंगा. And in Matthew chapter 4 verse 10 Jesus responded by saying. मत्ती 4th अध्याय उसकी 10वीं आयत 10th brother. Yeah, yeah, Matthew chapter 4 verse 10 yes. हां मत्ती 4:10 में वो उसको ऐसे उत्तर देते हैं. He was quoting the Old Testament book Deuteronomy chapter 6 verse 13. और व्यवस्था विवरण 6th अध्याय उसकी 13वीं आयत जो पुराने नियम की है उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया. Jesus, it is written, worship God, him alone shall you worship. और यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर. David told him, all this I will give to you if you bow down before me. और शैतान ने कहा तू मेरे सामने अगर झुक जा तो मैं सब कुछ तेरे को दे दूंगा. Bowing down is literally worship. और झुक जाना का मतलब आराधना करना. And the Lord says, it is written. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा हुआ है. And he quoted the Old Testament Deuteronomy 6:13 and says it's written worship God him alone shall you worship. और व्यवस्था विवरण 6th अध्याय उसकी 13वीं आयत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करना, सिर्फ उसी की उपासना करना. But you look at the original Hebrew word for worship in Deuteronomy 6:13. और अगर आप हिब्रियानी भाषा में जो उसका मूल शब्द है हिब्रानियों 6:13 का including the English translation और इंग्लिश के अनुवाद को भी उसमें मिला दें अगर maybe you can check out the Hindi that word actually says fear the Lord. और उसमें शब्द है परमेश्वर का भय मानना. In the meantime, someone can check the Hindi Deuteronomy 6:13 and see what it says. It actually means fearing the Lord, a reverent fear of God. और इब्रानियों व्यवस्था विवरण 6:13 और उसमें लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बड़े आदर के साथ. आदर के साथ, yes, with respect and love and honor we bow down before him, not physical bowing down, but actually offering your
all your ambition, desires, everything laying down before his feet. और यही नहीं, उसमें है कि अपने सारी मनसाओं को, इच्छाओं को, जो अभिलाषाएं हैं, सबको परमेश्वर के अपने हाथ में सौंप देना। Okay, that's the meaning of the word worship. और ये है आराधना शब्द का मतलब। There's a point of time when the woman at the well in the John chapter 4. और प्रभु यीशु मसीह जब उस स्त्री से जो कुएं पे मिली थी यूहन्ना चौथे अध्याय में, when he was going from Jerusalem to Galilee, he stopped by in Samaria, in Sychar, place called Sychar. यरूशलेम से गलील को यीशु मसीह जाते और रास्ते में समरिया का सचार जगह थी, वहां पे वो रुके। There he stops by a well, there's a lady there and he's asked, can you give me a drink? और वहां पे सुखार नाम जो एक जगह थी, वहां पे प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से मिलते और उसको कहते हैं तू मुझे पानी पिला। And then she is a Samaritan, he is a Jew. वो तो सामरी स्त्री थी और यीशु मसीह इब्री थे। And they don't normally mix normally. और वो ज्यादा तो ये लोग आपस में मिलते जुलते नहीं है। She didn't know who Jesus was. वो नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। And she asked her, "Can you give me a drink?" और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझे पानी पिलाएगी? And then he says, she says, "You are a Jew. I'm a Samaritan. How come you ask me for a drink?" और वो कहती है कि तुम तो यहूदी हो और मैं तो सामरी हूँ, मैं तुम मुझसे कैसे पानी मांग सकते हो? The Lord says, "If you knew the gift of God," प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, and who's asking you for a drink? कि तुझसे ये कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है? Lord, ask him, he'll give me living water. तुम उससे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल दे देता। From John chapter 4, from verse 10 onwards. और यूहन्ना चौथा अध्याय दसवीं आयत से आगे हम इसको पढ़ते हैं। It's a very familiar passage, and then as they discuss, as they have a conversation. और ये बड़ा जाना पहचाना भाग है, और जब वो आगे इस बात पे बात करते हैं दोनों। It comes to point the Lord Jesus Christ told about her situation, her past and her present, and she was astonished. और प्रभु यीशु मसीह एक बात करते करते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं उसका पुराना जीवन और अभी का जीवन, और जब वो ये सब बताती है तो वो बताते हैं तो वो एकदम अचंभा करती है। He told her, "You have had five husbands. The man living with is not your husband." और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तू पांच पति हो चुके हैं और जो तू जिसके साथ अभी रहती है छठे के साथ, वो भी तेरा नहीं है। Then she says, "I see you are a prophet." और वो कहती है कि मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्य देखता है। Then she changes the topic slightly. She says, Our forefathers worship on this mountain. You Jews say Jerusalem the place to worship. और वो इस विषय को थोड़ा सा बदल देती है। वो कहती है हमारे बाप दादा तो इसी पहाड़ पर भजन किया करते थे और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ भजन करना चाहिए वो यरूशलेम में है। Samaritans actually had a temple on top of Mount Gerizim in Samaria. और सामरी जो लोग थे उनका जो मंदिर था वो गराजिम पहाड़ जो समरिया में है उसमें वो वहां पे आराधना करते थे। And this incident had taken place somewhere near that mountain because Jesus Our forefathers worshipped on this mountain. और वो बात जो लगभग उसी जगह पे हो रही है और वो कहती है कि हमारे जो बाप दादा थे वो इस पहाड़ पे आराधना करते थे। You Jews say Jerusalem is the place to worship. पर तुम यहूदी लोग कहते हो कि भजन करने के लिए यरूशलेम जगह है। Her question is basically where should we worship? तो उसका मुख्य प्रश्न जो है वो इस तरह से है कि हमें कहाँ आराधना करनी है। John chapter 4 from verse 19 to 24 we had a beautiful conversation going on. और यूहन्ना चौथा अध्याय 19 से 24वीं आयत पे हम बड़े सुंदर एक वार्तालाप को देखते हैं। The Lord says, "Believe me, woman, a time is coming and has now come when the true worshippers will worship in spirit and truth." और यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में, और पर कहा तुम कहते हो भजन आत्मा और सच्चाई से करना है। These are the worshippers God is seeking, the Father is seeking. और ऐसे आराधना आराधकों को प्रभु यीशु परमेश्वर जो है ढूंढता है। Father is seeking people who worship in spirit and truth. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। In John 4:24 he says, "God is spirit, and those who worship God must worship in spirit and in truth." और 24वें आयत पर यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। It's too much for her to understand. और ये सारी बातें उसके लिए समझ से बाहर हो जाती हैं। Even today many Christians don't understand that. और आज के समय में भी बहुत से मसीह लोग इस बात को नहीं समझ पाते। And he said, "When the Messiah comes, he'll tell us all these things." और वो कहते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो हमें सब बातें समझाएगा। The Lord says, verse 26, "I who speak to you am he." और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं जो तुझसे कह बोल रहा हूँ वही हूँ। Worship must be in spirit and in truth. हमारी आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। God looks at the hearts of people. परमेश्वर जो है लोगों के हृदय को जांचता है। The worship actually begins in the heart. तो आराधना जो है उसकी शुरुआत हमारे हृदय में होती है। In the Old Testament time, we read in the book of Isaiah, chapter 29, verse 13. अजाया 29वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम देखते हैं। The Lord says, "These people come near to me with their mouths and honor me with their lips."
प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहते हैं। But their hearts are far from me. उनका मन मुझसे दूर रहता है। Their worship of me is made up of rules taught by men. और वे जो हैं वो तो मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। These people come near to me with their mouths. और ये लोग जो हैं सिर्फ अपने मुंह से मेरे पास आते हैं। Now actually, once in a year in Jerusalem, all Jews would go to the temple and offer sacrifice. The priests would offer sacrifice. They go to temple for sacrifice, annual sacrifice. और ये सारे यहूदी जो लोग थे साल में एक बार मंदिर में जाते थे और वहां पे वो बलि जो याजक लोग होते थे उनके लिए बलिदान चढ़ाते थे। They come to other time they will come for the feast of tabernacles, for the feast of Passover, for the feast of harvest. और उसके अलावा भी जो और पर्व होते थे फसल का और जो फसल काटने का और झोपड़ी का पर्व वो सब बनाने के लिए भी आते थे। But once in a year they will come for a sacrifice. पर बलिदान करने के लिए वो साल में एक ही बार आते थे। Annual sacrifice. साल में एक बार होने वाला बलिदान। Whenever they went to temple, they would go there to worship. और जब भी वो मंदिर जाते थे, वहाँ पे वो आराधना करने के लिए जाते थे। Now there's a certain pattern when they went to Jerusalem. For example, from Galilee when they went to Jerusalem. और एक बड़ा तरीका था जब जाने का था। जैसे उदाहरण के लिए अगर गलील से यरूशलेम को जाना है। Galilee is very far away from Jerusalem in terms of in the walking distance. By road it's about 2 hours, 2.5 hours. वो अगर पैदल चलने की बात करें तो गलील से यरूशलेम काफी दूर है। अगर गाड़ी से रोड से जाते हैं तो तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं सड़क से। Those they all walked all the way. पर उस जमाने में तो लोग सिर्फ पैदल चलते थे। And it's a slope, it's going up the mountain. और बड़ा चढ़ाई वाला हिस्सा है, नीचे से ऊपर को चढ़ना होता था। A gradual gradient. Jericho is also below, Galilee is below, Jerusalem is a little higher, 800 meters above the level of River Jordan. तो एक तरफ गलील भी नीचे है, एक तरफ जरीको भी नीचे है, पर यरूशलेम जो है वो करीब 800 मीटर हाइट पे है, ऊंचाई पे है। They climb slowly and go to Jerusalem. तो धीरे-धीरे चढ़ते हुए आपको यरूशलेम को जाना पड़ेगा। They enter the gate of the city through the eastern gate. और वो जब उसमें द्वार में प्रवेश करते थे तो जो पूर्व का जो दरवाजा होता था उससे उन्हें अंदर जाना पड़ता था। As they went, they would first of all sing songs of exhortation. और जब वो जाते थे तो बड़े गीत स्तुति के गीत गाते हुए जाते थे। In Psalm 120 we read, भजन 120 में हम पढ़ते हैं। Verse 128, although the 8 psalms are basically it's called the songs of ascents, ascent in ascents in English, song of ascents. और ये जो है ये चढ़ने वाला वाला ascents. Ascent या चढ़ने वाला होगा, करेक्ट। Going up. चढ़ने वाला, ऊपर चढ़ने वाला गीत है। ये सारी 8 आयतें जो हैं वो यही कहती हैं। So as they would go up to Jerusalem, they would sing songs of exhortation. और जब वो जाते थे तो बड़े गीत गाते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए ऊपर चढ़ते थे। Yeah, it's not a praise, it is exhortation. हाँ, वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए और आराधना के लिए उकसाते हुए चलते थे। For example, the song we sing in English, "Come, let us worship and bow down." जैसे इंग्लिश में एक गाना है, हम गाते हैं कि आओ हम चल के परमेश्वर की आराधना करें, उसके सामने झुकें। So telling each other, "Come, let us go and worship." We are exhorting each other. We are encouraging. वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे, एक दूसरे को उकसाते हुए चलते थे, चलो हम चल के आराधना करेंगे। As they went up the mountain slope, they would sing songs of encouragement, exhortation, motivation to go to Jerusalem and to worship God. और जैसे वो चढ़ते थे पहाड़ पे ऊपर को, तो वो ये एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, जोश दिलाते हुए चढ़ते थे कि चलो हम चल के यरूशलेम में आराधना करेंगे। Then they'll come to the temple eastern gate. और फिर वो पूर्व के दरवाजे की ओर आएंगे। Go over the Mount of Olives, which is the eastern side of Jerusalem. और यरूशलेम के जो पूर्व की दिशा है वहां से वो ऊपर को उस ऑलिव का जो पहाड़ था, जैतून का पहाड़ था, उसके ऊपर से चढ़ के आते थे। Go over the mountain and come down about 1 kilometer to the east gate. और ये जैतून के पहाड़ से नीचे उतर के तकरीबन 1 किलोमीटर जो पूर्व का दरवाजा था यरूशलेम का, उसमें अंदर आते थे। एंड द टेम्पल एक्चुअली फेसेस ईस्ट। और जो मंदिर जो है उसका भी जो मुख्य उसका जो मुंह है वो पूर्व की तरफ ही है। That be a temple, the entrance door, then the courtyard, inner courtyard, outward courtyard, and then the eastern gate. और वो मंदिर भी इसी तरह से बना था, अंदर का चबूतरा, बाहर का चबूतरा, फिर उसके बाद जो मुख्य द्वार और फिर पूर्व का दरवाजा। So as they sing songs of exhortation, they'll come to the gate, and then Psalm 100 verse 4 says. और वो ऐसे गीत गाते हुए प्रोत्साहन देते हुए आगे चलते थे और फिर भजन 100 और उसकी 4th आयत में हम पढ़ते हैं। Enters gates with thanksgiving and his courts with praise. फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। They come to the gate, they sing songs of thanksgiving. और जब उसके फाटक पे पहुंचते थे तो वो धन्यवाद के गीत गाते थे। Then they come to outer court, the inner court.
फिर वो बाहर के चबूतरे और उसके अंदर वाले चबूतरे पे आते थे एंड देन प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति करते थे, देन प्रेज गॉड टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को परमेश्वर की स्तुति कह के सुनाते थे। देन दे एंटर द टेंपल एंड देयर ओनली वर्शिप टेक्स प्लेस, फिर जब मंदिर में प्रवेश करते थे तब असली आराधना शुरू होती थी। एंड टू काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स दे सिंग, प्रेयर सॉन्ग्स एंड वर्शिप सॉन्ग्स, और दो तरीके के गीत गाते थे, एक तो स्तुति के गीत और दूसरा आराधना के गीत। सो देयर एड्रेस टू गॉड, और वो जो उनका जो जो जिसको परमेश्वर आराधना जिसकी करते थे स्तुति करते थे वो परमेश्वर की होती थी। सो प्रेजिंग इज टू ईच अदर, प्रेजिंग गॉड टू ईच अदर, और जब बड़ाई करते थे तो एक दूसरे को बताते थे परमेश्वर की महानता के बारे में। Exhortation is to each other, और प्रोत्साहन भी एक दूसरे का करते थे। But thanksgiving, praise and worship are all addressed to God. और चाहे स्तुति बड़ाई धन्यवाद और आराधना तीनों चीज जो है परमेश्वर को ही चलाई जाती थी। That's a pattern, even today we have good to follow. और ये ऐसा एक नमूना था जिसको अभी भी हम आज भी हमें पालना चाहिए। When we go to worship time, we don't talk to each other. We don't even we're only conscious about God and worship Him. जब आराधना करते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर रहता है। Today in so many congregations, what they call as worship is basically a concert and a show and a display of talents rather than worshiping God. और आजकल बहुत जगह आराधना की जगह अगर हम देखें तो वो अपने 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 गुणों को, अपने क्या क्या चीजें जानते हैं, कैसे बाजा बनाना बजाना जानते हैं, वो सारी चीजों को अपने दानों को दिखाने की जगह बन जाता है। एंड व्हेन वी वर्शिप गॉड, गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, दिस इज व्हाट जीसस टोल्ड द लेडी। पर परमेश्वर हमसे चाहता है, और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को भी यही बोला कि परमेश्वर चाहता है कि स्तुति आराधना परमेश्वर की जो आत्मा और सच्चाई से हो। नाउ द स्पिरिट ऑफ मैन इज टू द हार्ट ऑफ मैन, और परमेश्वर मनुष्य की जो परमेश्वर की जो आत्मा है वो मनुष्य की आत्मा में से है। The inner man, the center of things of a man. और मनुष्य के भीतर में जो उसके हृदय में है। In Psalm 51 verse 17 we read about how the heart of man, the spirit of man is the same entity. और भजन 51 उसकी 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जो मनुष्य का भीतरी वो जो टूटा हुआ पिसा हुआ मन कुछ नहीं जानता। So actually, spirit of man is to the heart of man. 1571 टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, जो ये परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। So it refers to actually the in the word, look at all the verse in the Bible about heart and spirit, the breath of life, the spirit of man, the heart of man, the inner man are all the same entity. तो जब परमेश्वर जब बात करते हैं बाइबल में, जब लिखते हैं कि भीतरी मनुष्य, उसके मनुष्य का हृदय और उसके मन की बात, तो सब जो है मनुष्य के हृदय की बात होती है। So when you worship God, God is doing in our hearts. और जब हम आराधना करते हैं तो हम अपने हृदय से जो परमेश्वर हमारे अंदर है उससे हम आराधना करते हैं। He wants holiness and completeness and truth in the hearts. परमेश्वर चाहता है हमारे हृदय से पवित्रता, संपूर्णता हमारे हृदय में होनी चाहिए। Psalm 51 verse 6, the psalmist says, surely you desire truth in the inner parts. Inner parts means the heart. और भजन 51:6 में वो कहता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तेरा मन मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। Rather both everything in our heart displeases God, we should throw away. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता तो हमारे को उसको हटा देना चाहिए। Before you go into time of worship, whether in your personal prayer time or even in a church, or even as a worship group worships in the church. और चाहे हम व्यक्तिगत प्रार्थना आराधना करें, कलीसिया में करें या समूह में इकट्ठा होकर आराधना करें, इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन आवर हार्ट्स बिफोर वी स्टार्ट वर्शिपिंग। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय को जांचें इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना शुरू करें। सो आस्क द होली स्पिरिट टू शो आवर हार्ट्स व्हेदर एनीथिंग इन द हार्ट इज डिसप्लीजिंग टू गॉड। तो हमें पवित्र पवित्र आत्मा से बोलना है, प्रभु मेरे हृदय के अंदर से मुझे दिखा कि कोई ऐसी बात है जो तेरे को अप्रसन्न करती है तो मुझे दिखा। आई वेरी ऑफन शेयर्ड अबाउट the 14 different things God says, Jesus says, are in the hearts of man which we had to put away. और हम बाइबल में भाई ने पहले ही बताया 14 बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदयों से उसको निकाल दें। Matthew 15:19 spoke about things in the heart. और मत्ती 15 उसकी 19वीं अध्याय में बताता है वो बातें जो मनुष्य के हृदय में हैं। Evil thoughts. चिंता। No. Evil thoughts. Sinful thoughts. बुरे विचार हैं। Evil thoughts, murder, adultery, हत्या और स्त्रीगमन, sexual morality, व्यभिचार, theft, चोरी, false testimony, झूठी गवाही, and slander, और निंदा। In Mark 7:22,
और मरकुस सातवां अध्याय उसकी 22वीं आयत में देखते हैं, He speaks about seven more things. तो सात और बातों के बारे में बताता है, ग्रीड, चोरी मतलब अभी लालची लालच करना, ग्रीड मैलिस डिसीट, हत्या स्त्रीगमन, लूडनेस लोभ दुष्टता, एनवी और जलन रखना दूसरे से, एरोगेंस और प्राइड, यू कैन से प्राइड, एरोगेंस इज लाइक प्राइड, हाँ छल लुचपन कुछ दृष्टि निंदा अभिमान और मनुष्य और मूर्खता, एंड फॉली फूलिशनेस और मूर्खता. These 14 different things are in the hearts of people. Jesus. ये 14 बातें हैं जो हमारे हृदय में होती है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको निकाल दें. There could be much more we don't know. और इसमें और भी हो सकती हैं बातें जो हम नहीं जानते. But then when you go to God in prayer or worship, I must ask God to show anything like this in the heart, throw it away. तो जब हम परमेश्वर के पास चाहे आराधना करने आए चाहे प्रार्थना करने आए, हमें परमेश्वर से बोलना प्रभु मेरे हृदय में ऐसी कोई भी बात है तो उसको आप निकाल के दूर फेंक दीजिए. James chapter, not James. Jeremiah chapter 4 verse 4, God says. यर्मिया चौथा अध्याय उसकी चौथी आयत में परमेश्वर बोलते हैं. Circumcise yourself to the Lord. Circumcise your hearts to the Lord. और वो कहते हैं अपने मन का खतना करो, अपने अपने आप का खतना नहीं पर अपने मन का खतना करो. Circumcision means cutting off. खतने का मतलब काट डालना. So whatever is the heart that is not pleasing to God, you should cut it off, remove it. तो जो भी हमारे हृदय में है जो परमेश्वर जी से प्रसन्न नहीं होता उसे हमें काट के हटा देना है. That's the kind of circumcision God always wanted and still wants from His people. और इसी तरह क्या है खतना जो है परमेश्वर चाहते थे शुरू से और अभी भी अपने लोगों से यही चाहते हैं. Romans chapter 2 verse 29 says. रोमियो दूसरा अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है. Circumcision is circumcision of the heart by the Spirit. और कहता है कि खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है. Not by the written code, not by the law. ना कि लेखों का. Such a man's praise is not from men, it is from God. ऐसी की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है. So when the Holy Spirit to show our hearts, तो हमें परमेश्वर की आत्मा से बोलना है मेरी मेरे हृदय को मुझे दिखा. And he counsels us, he convicts us. वो हमारे को सलाह देता है हमारे को बताता है कि हाँ हम गलत हैं. With his help he circumcises that in a heart and to the word of God and the spirit of God a heart is made clean and thanking God for the blood of Jesus. और पवित्र आत्मा जी हमें मदद करते हैं हमारे अपने पवित्र यीशु मसीह के लहू से हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं साफ करते हैं और परमेश्वर के प्रेम के पास हमें लेके आते हैं. Then as you are right with God then we worship God which actually he accepts. और फिर जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही हो जाता है फिर हम जब उसकी आराधना करते हैं तो वो उसको सुनता है. And to help us worship God we have a helper and he is the Holy Spirit. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे पास एक सहायक भी है जो कि पवित्र आत्मा जी हैं. Philippians chapter 3 verse 3 Paul writes. फिलिपियों 3:3 में पौलुस लिखते हैं. Is we who worship by the Spirit of God. और हम वो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं. Who glory in Christ Jesus. और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं. And put no confidence in the flesh. और शरीर पर भरोसा नहीं रखते. So even before we say words of worship to God and sing songs of worship to God. और इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं उसके लिए गीत गाएं स्तुति के. We have to examine our hearts. Ask God to examine our hearts. हमें बोलना है प्रभु मेरे हृदय को जांच ले. And when the word of God says you should worship in spirit and truth, whatever we say, we should mean it in the heart. Be truthful. और जब परमेश्वर कह रहा है कि आत्मा सच्चाई से करो, इसका मतलब कि जो भी हम कह रहे हैं अपने हृदय से, वो सच होना चाहिए. We can worship him anywhere, anyway. हम कहीं पे भी किसी भी तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. Sometimes we are very critical of people who worship in a particular way. कई बार हम बड़े बुरा बोलने लगते हैं कि जब कोई लोग किसी तरीके से आराधना करते हैं. And some only must kneel down and worship. Or you must sit and worship, or you can stand and worship. And sometimes you lift up hands and worship, people criticize that. कई बार लोग बैठ के करते हैं, घुटने टेक के करते हैं, कोई हाथ उठा के करता है, कोई खड़े होके करता है, तो लोग जो है जब हाथ उठा के करने लगते हैं, उनकी बुराई करने लगते हैं। There are many denominational churches where they criticize people who lift up hands and worship. कई जगहों पे भाई ने कहते हैं देखा है कि जहां पे लोग अगर हाथ उठा के आराधना करते हैं तो लोग उनकी बुराई करने शुरू कर देते हैं। It's very, very scriptural to lift up hands and worship. वचन में बहुत सफाई से लिखा है आप हाथ उठा के भी आराधना कर सकते हैं. In Psalm 134 verse 2 it says. भजन 134 उसकी दूसरी आयत में लिखा है. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. अपने पवित्र हाथ अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा का धन्य कहो. In 1 Timothy chapter 2 verse 8
For as Timothy says, I want men to lift up holy hands and pray. पहला तिमोथी दूसरा अध्याय उसकी आठवें आयत में कहता है कि मैं चाहता हूं कि लोग अपने पवित्र हाथ उठा के प्रार्थना किया करें। Lifting up hands is expression of total surrender to God and bowing down before God. अपने हाथ उठाना का मतलब होता है परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरह से नम्र और उसके सामने सुपुर्द कर देना। In fact, when Joshua was fighting the Amalekites, जब यहोशू जब अमालेकियों से लड़ाई कर रहा था, the Old Testament Exodus 17 chapter, निर्गमन उसके 17वें अध्याय में पुराने नियम में हम देखते हैं, Moses lifting up hands, हम देखते हैं मूसा जो है हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा है, and Aaron and Hur holding his hands, और हारून और जोशुआ उसके हाथ उठा रहे हैं, Joshua is fighting the war, Aaron and Hur, Aaron और हूर जो है वो मूसा के हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। As long as Moses' hands lifted up, Joshua was winning the war. जब तक मूसा के हाथ उठे हुए थे, यहोशू लड़ाई जीतता था। Lifting up hands total is an expression of surrender to God. जब हाथ उठाते हैं, तो इसका मतलब कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सुपुर्द कर दे रहे हैं। We see it in practical life also we see that. और अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस बात को हम देखते हैं। When a war, when a prisoner is about to get caught, he lifts up his hands. जब लड़ाई में कोई अगर दुश्मन जो है पकड़े जाने वाला होता है तो अपने हाथ उठा देता है। Surrender. इसका मतलब कि उसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया। In the second of all, lifting up hands is giving up. एक तरीके से है कि मैं हार मान ली। So you should not criticize people lift up hands and worship God. It's very, very scriptural. It's an expression of surrender to the Lord. Lord saying, it's no more about me, it's about you. तो अगर कोई हाथ उठा के आराधना कर रहा है तो उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए कि पूरी तरह से वचन के अनुसार है। इस तरह का मतलब है कि प्रभु मैं अपने आप को पूरी तरह से तेरे हाथ में सुपुर्द कर देता हूँ। Even today in Jerusalem and in other countries where they worshipped the God of Genesis 1:1. और आज भी यरूशलेम में इज़राइल में जहाँ पे उत्पत्ति पहले अध्याय की पहले आयत के अनुसार जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, they may not believe in Jesus, but they believe in God. वो यीशु मसीह पे चाहे विश्वास ना करें पर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। But they lift up hands. वो अपना हाथ उठाते हैं। But what God sees the heart actually. पर परमेश्वर जो है वो तो हृदय को देखता है। Today we look at the contemporary worship all over the world among many churches. It's more like a show. It's not really ministering to God. तो आजकल अगर हम देखें बहुत सी कलीसियाओं में जो आराधना करते हैं वो एक तरह से दिखावा है, वास्तविक आराधना नहीं है। It's more entertaining each other. वो एक दूसरे को एक तरह से मनोरंजन करते हैं दूसरे का। The primary requisite of a worship leader, जो हमारी आराधना है उसका पहला सबसे महत्वपूर्ण बात जो जरूरत है। Now we have worship groups in many churches. बहुत से कलीसियाओं में आराधना करने के समूह होते हैं, लोग होते हैं। Worship leader. और उनका एक लीडर होता है, अगुवा होता है जो आराधना कर रहा होता है। Worship leader must primarily be a worshipper himself or herself. और सबसे पहली बात जो अगुवाई कर रहा है वो खुद एक आराधक होना चाहिए। When a worship leader worships in spirit and truth, by led by the Holy Spirit, जब एक अगुवा जो है आराधना का जो आत्मा सच्चाई से आराधना की अगुवाई करता है, he will not talk to people outside, he will talk to God. बाहर के लोगों से बात नहीं करेगा, वो तो परमेश्वर से बात करेगा। He or she will glorify the Lord. और उसको या वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको परमेश्वर की को महिमा देनी है। And when that worship is led by the Holy Spirit, it will be infectious. और जब ऐसी अगुवाई वो आत्मा के द्वारा जब होके जब आराधना करेगा तो उसका फर्क जो है सबको उसका प्रभाव पड़ेगा। And the rest of the people in the congregation, they won't be very conscious about the worship leader, they'll be conscious about God. और जो लोग जो सभा में बैठे हैं वो उस अगवे की ओर ध्यान ज्यादा नहीं रहेगा, उनका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा। The focus of the worship is the Lord himself. तो पूरा जो आराधना का जो केंद्र है, जो ध्यान होना है, वो परमेश्वर है। Not the worship leader, not the people in the worship team, not the how they sing, high or low, that's not important. तो वो अगुवा जो आराधना कर रहा है कैसे गा रहे हैं, ऊंचे गा रहे हैं, कम गा रहे हैं, इस सब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। So the true worship should be led by the Holy Spirit. तो जो वास्तविक आराधना है वो आत्मा की अगुवाई में होती है, coming from a clean heart. और एक शुद्ध हृदय से आती है। Now one more very important thing. बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है। Worship team must have oneness among them. जो आराधना की जो समूह है उनके अंदर एकता होनी चाहिए। Psalm 133 talks about the amazing blessings of people who are actually when they are together in unity. भजन 133 में हम देखते हैं कितनी आशीष मिलती है जब सारे लोग एक मन होकर आराधना करते हैं। How wonderful it will be that the blessings of God flow, Bible says.
और बाइबल में लिखा है कि कितना मनोहर होगा जब सारे एक साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे। In many worship groups today in the contemporary world, there's competition among the people who are the worship group. और आज के समय में तो इतने सारा समूह बन गया आराधना के कि उनमें आपस में बड़ी प्रतियोगिता सी होने लगती है। Whose voice is more prominent? Whose voice is not prominent? Who's the main singer? Who's the secondary singer? It doesn't really matter. किसकी आवाज ज्यादा अच्छी है, किसकी आवाज ज्यादा तेज है, कौन पहला है गाने वाला है, कोई बाद में गाने वाला है, इस सबसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। It's wonderful for the worship team to have unity among themselves. और ये बहुत मनोहर है कि अगर जो आराधना कर रहे हैं उनमें एकता हो। Any difference of opinion they have, they should make up and have peace. कोई भी अगर उनके मन में मनमुटाव है तो पहले उसको सुझाव करके आपस में शांति बना लेनी चाहिए। When there's envy and quarreling, we can't even say we are spiritual. जब हमारे अंदर लड़ाई है, भेदभाव है, तो हम तो आत्मिक हो ही नहीं सकते हम। If you look at 1 Corinthians 3rd chapter, पहला कुरिन्थियों तीसरे अध्याय को अगर हम देखें, when there's disunity among the body of Christ, Paul writes to them and says, I can't call you spiritual. जब उनके बीच में मन मुटाव है, भेदभाव है, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें तो आत्मिक कह भी नहीं सकता। I call you worldly. मैं संसारिक ही कहूंगा। I gave you milk, not solid food. मैं तुम्हें दूध दूंगा, तुम्हें खाना सख्त खाना दे ही नहीं सकता। Spiritual milk, spiritual food, not. हाँ, I'm sure you understand. Yeah. ये आत्मिक भोजन की बात है, शारीरिक भोजन की बात नहीं है। He said, I give you milk, not solid food, because you're not ready for solid food. वो कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। Need is still not ready. वो कहता बल्कि तुम अभी भी तैयार नहीं हो। You're still worldly. तुम अभी भी संसारिक हो। Interesting thing is the Corinthian church had all the gifts of the Holy Spirit. और बड़ी अद्भुत बात है कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, इसमें सबके पास आत्मिक दान थे। They were endowed in all the speaking and all the knowledge. और वो अपनी बातचीत में, अपने ज्ञान में बड़े निपुण थे। But Paul said, I can't call you spiritual. पर पौलुस उनको कहता है मैं तुम्हें आत्मिक कह ही नहीं सकता। And all the envy and quarreling among you, are you not like mere men? Are you not carnal, worldly? कहता है तुम जब आपस में तुम्हारे शरीर में तुम ढहा और झगड़ा करते हो, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो, मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? The same way in a worship group, they can have very nice voices, all the gifts they can have, but there's no unity among them, then you can't even say they're spiritual. तो उसी तरह से चाहिए जो आराधना के जो समूह है, बड़ा अच्छा गाना गाएं, बड़ी अच्छी से गाएं, पर अगर उनमें एकता नहीं है, उनमें वो शारीरिक है, उन्हें आप भी कह भी नहीं सकते हम। One very important thing to understand is, worship is from man to God, from believer to God. तो ये बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आराधना जो है एक आराधक का परमेश्वर के साथ है। And the word of God preaching is from God to man. और परमेश्वर के वचन का जो प्रचार है वो परमेश्वर के वचन से मनुष्य को है। They are opposites. ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। When you hear the word of God being preached by somebody, you will take it to heart, and if it's blessing you, then you praise God. तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, हम अगर वो वचन हमसे बात करता है तो हमारे को प्रोत्साहन मिलता है और फिर हम परमेश्वर की को धन्यवाद देते हैं। So we can analyze a message. तो हम एक संदेश को उसका हम समीक्षा कर सकते हैं। If the preacher speaks right things from God and you're blessed, you thank God for it. अगर प्रचारक आपको वचन दे रहा है और आप परमेश्वर आपको उस वचन से बात करता है तो आप परमेश्वर आपको आशीष मिलती है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। And you can share with each other what you learned that day. और आप जिन्हें जो उस दिन सीखा वो आप एक दूसरे के साथ बांट भी सकते हैं। If something wrong is spoken, go and tell the preacher, don't tell everybody else. अगर आप प्रचारक ने कुछ गलत बोला है तो आप सीधे जाके प्रचारक को बोलें, आप किसी और व्यक्ति के साथ में जाके वो उसकी बुराई ना करें। Go and tell one to one brother in this area or sister in this area you didn't speak rightly. I want to tell you that the word of God says this. तो आप जाके उससे सीधा बात करें, भाई या बहन आपने जो ये वचन दिया उसमें ये बात है, परमेश्वर के वचन उसके अनुसार ये बात सही नहीं है, ये इस तरह से है। But if God has spoken to you, you can talk about it and praise God for that. पर अगर परमेश्वर ने आपसे बात करी है तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। So they can discuss about God's word. तो हम परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। Whereas we should not discuss worship. पर हम आराधना को हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते उसके लिए। Because we know the recipients of worship. क्योंकि हम जानते हैं ये आराधना किसको दी गई है। The Lord is the recipient of our worship. परमेश्वर है उस आराधना को पाने वाला। He is the one to say whether he likes it or not. वो ही कह सकता है कि मुझे पसंद है या नहीं है। He is the one who should say whether he accepts the worship or not. वही है जो कह सकता है मैंने ये आराधना को स्वीकार किया है या नहीं किया। The Lord did not accept the worship of the Old Testament people as he told Isaiah. और परमेश्वर ने जैसे अजाया को बोला था पुराने नियम में कि उन लोगों की आराधना को उसने स्वीकार नहीं किया। I repeat that verse, Isaiah 29:13.
यशाया 29:13 These people come near to me with their mouths. ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं and honor me with their lips. और अपने मुंह से मेरा आदर करते हैं but their hearts are far from me. पर उनका मन मुझसे दूर है. Their worship of me is made up of rules taught by men. और उनकी जो आराधना है वो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुन कर मेरी आराधना करते हैं. They are more interested in the mechanics of singing and worshiping rather than the heart being right before God. वो जो गराने का तरीका है और वो बाकी चीजें हैं उस पे उनका ध्यान होता है और उनका हृदय परमेश्वर सही है कि नहीं उस पे उनका ध्यान नहीं होता. When worship is led by the Holy Spirit, it's a wonderful experience. जब हम आराधना आत्मा के द्वारा अगुवाई में करते हैं तो एक बड़ा अद्भुत अनुभव होता है. We are blessed through worship. हमें बड़ी आशीष मिलती है उस आराधना से. Bible says God inhabits the praise of his people. Psalm 22 verse 1 and 2 and 3 we read. भजन 22 उसकी second verse. दूसरी आयत का हम देखते हैं. Second third verse है कि inhabits the praise of his people. वो कहता है कि वो सिंहासन पर विराजमान है. वो उसको उत्तर देता है, सुनता है उसकी आराधना को. In fact, God's presence is manifested in true worship. परमेश्वर की उपस्थिति सच्ची आराधना में प्रकट होती है. In fact, in many churches all over the world, even today, it happens and happened in the first century, when true worship takes place, demons will run away from there. और बहुत से पुराने कलीसियाओं में और अभी भी जब हम सच्ची आराधना करते हैं तो शैतान और दुष्टता जो है वो वहां से भाग जाता है. And you read in the Bible in 1 Chronicles 25th chapter, when the three worship leaders appointed by God were worshiping. पहला इतिहास उसके 25वें अध्याय में हम देखते हैं जब तीन जो चुने हुए लोग थे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे. The Levites, they worship God and they prophesied through worship. और वो जो लेवी थे आराधना कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे परमेश्वर की आराधना करते करते. Because God speaks when you worship. We talk to God and God speaks to us. और हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है. And therefore there's tremendous benefits and blessings, spiritual blessings of true worship. तो जब हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं तो उसकी बड़ी आशीष हमें मिलती है. Individually, in personal time also we can worship God in song after cleaning the after ensuring the heart is cleansed of every sin. हम अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने अपने समय में भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. पहले अपने हृदय को जांच लें कि क्या वो परमेश्वर का सही है कि नहीं. But when we worship God together as a body of Christ, it's important to all of us to have oneness, unity, and not disturb this worship time by talking in between and exhorting people. It's not a separate time for exhortation, is there? और जब हम परमेश्वर की आराधना समूह में करते हैं तो हमें एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है. हमें व्यक्तिगत हमें परमेश्वर की आराधना करनी है और एक दूसरे को प्रोत्साहन देने का अलग समय भी है. When I talk to worship leaders and teach about worship, I tell them, before you start your praise and worship time, you can talk to the people, give announcements about how you're going to worship, motivate them, exhort them. But once you start your praise and worship time, it's all about God. भाई भी लोगों को जो आराधना करने वाले जो समूह जो गीत गाते हैं उनको समझाते हैं कि आराधना शुरू करने से पहले आप लोगों को पहले समझा दीजिए कैसे आप आराधना करेंगे, कैसे उनको प्रोत्साहन देना है. पर एक बार जब आराधना शुरू हो गई तो उसके बाद बातचीत नहीं, सीधा परमेश्वर की आराधना है और कुछ नहीं है उसके बीच. मेनी डिस्टर्बेंस इन बिटवीन. बीच में कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है. एंड आई फाइंड समटाइम्स वर्शिप लीडर्स सेइंग बिटवीन सॉन्ग्स दे से कम ऑन लुक एट ईच अदर, शेक ईच अदर हैंड्स, से हेलो, लुक एट मी, स्माइल एट मी. व्हाई शुड आई स्माइल एट यू? और बहुत जगह लोग भाई एक बोलते हैं, लोग आराधना वाले बोलते हैं कि आराधना के बीच में बोलते हैं आप एक दूसरे को देखो, मुस्कुराओ, एक दूसरे से हाथ मिलाओ. ये क्यों जरूर, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. गिव मी अ स्माइल एंड पीपल गिव अ सिंथेटिक स्माइल दे विल गिव. और वो बैठे बैठे लोग जो है वो झूठी मुस्कुराते रहते हैं. नाउ द पॉइंट इज दिस, यू आर द गॉड्स प्रेजेंस, ही इज द सेंटर ऑफ योर वर्शिप. और पर हमारे को ये समझना है कि हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और वो हमारा आराधना का विषय है. So I tell worship leaders, in between worship songs, don't talk. इसलिए भाई सारे आराधना वाले टीम को बोलते हैं कि आराधना के बीच में बातचीत ना करें. Then some people introduce the song. और कई लोग जो हैं गाने का उसके बारे में बताने लगते हैं. Now they finish one song. एक गाना उन्होंने खत्म कर लिया. They sing the next song. दूसरा गाना शुरू करने जा रहे हैं. Before that, they give introduction. उससे पहले वो उस गाने के बारे में बताते हैं. What the words say. कि वो उसके शब्द क्या कहते हैं. People know what the words are saying. लोग जानते हैं भाई ये शब्द क्या कह रहे हैं. Every Sunday same worship song, every Sunday same introduction to the song. हर इतवार वही गाना गाएंगे, हर इतवार उसी का उसी तरह से फिर उसको बताएंगे उस गाने के बारे में.
No need of all that. इस चीज की कोई जरूरत नहीं है. Just worship God in spirit and truth and enjoy God's presence by faith. हमें परमेश्वर के आराधना आत्म सच्चाई से करना है और उसकी उपस्थिति का विश्वास से उसका अनुभव लेना है, मजा लेना है. This is what Jesus told the Samaritan woman. ये प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को भी समझाया. Neither in the mountain nor in Jerusalem. ना तो इस पहाड़ पे ना यरूशलेम में. Lord seeks people who worship in spirit and in truth. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके आत्मा आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं. Be right before God and worship me, God says. परमेश्वर के सामने सही रहें और सही रीति से उसकी आराधना करें. And sometimes judges, denominational judges say, don't lift up hands in the sanctuary. Go lift up hands somewhere else and sing, not here. और कई लोग बोलते हैं ये परमेश्वर के भवन में यहाँ पे हाथ उठा के आराधना ना करो, आपको हाथ उठाना है बाहर जाके, आप वहां जाके उठा के करें. Anywhere we can worship God. कहीं भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. Anytime we can worship God. किसी समय भी उसकी आराधना कर सकते हैं. Because today our body is the temple of the Holy Spirit. आज हमारा जो मन हृदय है, हमारा जो शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है. So everyone, every Christian who worships God should understand what really worship God is seeking. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, हमें समझना है परमेश्वर कैसी आराधना को ढूंढता है. So in the worship time together, as all of us together, exaltation songs, thanksgiving songs, praise songs, prayer songs and worship songs. Let's say order the pattern it was in Old Testament time. और पुराने नियम के अनुसार भी जैसे हम आराधना करते हैं तो उसका एक नियम है. पहले हमारे को प्रार्थना वाला फर्स्ट प्रेयर ब्रदर. No, first is exhortation. सबसे पहले प्रोत्साहन देने वाला. Then just imagine people coming from Galilee to Jerusalem temple. मान लीजिए उदाहरण के लिए लोग गलील से यरूशलेम के मंदिर को आराधना करने के लिए आ रहे हैं. Songs ascends as they go up the mountain. Song exhortation songs. और जब वो पहाड़ पे ऊपर को चढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए चढ़ रहे हैं. Then they come to the gate. फिर वो जब द्वार पे पहुंच जाते हैं. Enters gates with thanksgiving. So thanksgiving. फिर उसके फाटकों में वो बड़े धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं. Then the court, outer court, inner court, praise. फिर बाहर का फाट आंगन, अंदर वाला आंगन, वहां पे परमेश्वर की स्तुति करते हैं. Then enter God's presence in the temple. Inside the temple is worship and prayer. जब परमेश्वर के नजदीक में, उसके भवन में अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते हैं. Some songs we sing the prayer songs actually. कई गाने जो हम गाते हैं वो प्रार्थना के गीत होते हैं. From the lyrics you know what song it is, whether it's exhortation song or a praise song or worship song, thanksgiving song or the prayer song. तो हम गाने के शब्दों से समझ लेते हैं कि ये प्रोत्साहन देने वाला गीत है या उसकी आनंद का गीत है या परमेश्वर की प्रार्थना का गीत है, स्तुति का गीत है या आराधना का गीत है. एवरी सॉन्ग वी शुड बिलीव इट, मीन इट एंड देन सिंग इट. हर गाने को समझें, उसका मतलब समझें और उसको मतलब समझते हुए उस गाने को गाएं. एंड एज वी वर्शिप गॉड इन दिस मैनर वी आल्सो बी ब्लेस्ड बाय इट. और जब इस रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें खुद इससे आशीष मिलती है. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर अपने वचन पे और आप सबको आशीष दे.